नमस्कार, मैं डॉक्टर पुरु त्यागी, नेफ्रोलॉजिस्ट प्रियदर्शी एंड फर्टिलिटी किडनी केयर मोदी नगर से। और मैं आपको आज बताना चाहता हूं कि क्यों हम वर्ल्ड किडनी डे को सेलिब्रेट करते हैं। जैसा कि आप में से काफ़ी लोगों को पता होगा कि वर्ल्ड किडनी डे जो है वो आने वाला है, हर साल इस दिन को मनाया जाता है और एक अपॉर्चुनिटी की तरह इसको सेलिब्रेट करा जाता है, जिसमें हम लोगों को बता सकें कि क्यों ये जरूरी है। तो किडनी की समस्याएं दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। किडनी एक ऐसा मेजर अंग है शरीर का, जिसके बिना शरीर की प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकती। लेकिन फिर भी हम आज की डेट में ये देख रहे हैं कि हर साल जो किडनी के पेशेंट्स हैं वो बढ़ते ही जा रहे हैं। तो ऐसा हम क्या कर सकते हैं जिससे किडनी की समस्याएं ना बढ़ें, या फिर हमारे को अपने जीवन में किडनी की समस्या ना देखना पड़े। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जैसे बाकी बीमारियों के लिए जो चीज़ सही है वो किडनी के लिए भी सही है, कि किडनी की समस्याओं को बढ़ने से रोकने के लिए हमारा एक हेल्दी लाइफस्टाइल होना चाहिए। डेली एक्सरसाइज होनी चाहिए, खाने पीने में जो रेगुलर परहेज होते हैं जैसे कार्बोहाइड्रेट्स यानी कि मीठा या फिर नमक, इन सब का परहेज होना चाहिए। अपनी हेल्थ के ऊपर एक खास ध्यान होना चाहिए, जैसे जब भी बीपी की समस्या बने तो बजाय इधर उधर लोकल में कोई दवाई लेने से एक प्रॉपर डॉक्टर के पास जाकर इवेल्युएशन कराया जाए। जिन लोगों को शुगर की बीमारी है उनको खास रिस्क रहता है किडनी की समस्या बनने का, और इन लोगों को निरंतर 3-3 महीने या 6-6 महीने अपने फिजिशियन के सजेशन के हिसाब से रेगुलर किडनी के चेकअप कराने चाहिए। इसके अलावा एक और कारण है जिस वजह से हम लोग किडनी डे को बनाते हैं, वो कारण ये है कि जो ऑलरेडी किडनी के पेशेंट्स हैं हम उनको ये मैसेज देना चाहते हैं कि देखिए किडनी की समस्या आज के टाइम पर काफ़ी मैनेजेबल है। किडनी शायद इकलौता ऐसा अंग है जिसके पूरी तरह फेल होने के बाद भी आदमी नियर नॉर्मल तरीके से अपनी लाइफ जी सकता है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनसे हम किडनी के फंक्शंस को रिप्लेस कर सकते हैं। इसमें हीमोडायलिसिस और पेरिटोनियल डायलिसिस आता है, और किडनी का ट्रांसप्लांटेशन यानी कि किसी किडनी का प्रत्यारोपण, ये भी आज के डेट में काफ़ी इजीली अवेलेबल है। तो किडनी के पेशेंट्स को भी डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। किसी भी और अंग के मुकाबले किडनी एक ऐसा अंग है जिसमें बीमारी या पूरी तरह फेल होने के बाद भी जीवन को काफ़ी नॉर्मल तरीके से जिया जा सकता है। तो वर्ल्ड किडनी डे के मौके पर मैं सभी लोगों को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि अपनी सेहत का ध्यान रखिए, खाने पीने का ध्यान रखिए, और अगर आपको किडनी की प्रॉब्लम हो भी गई है तो भी घबराइए नहीं। जो भी आपका नज़दीकी नेफ्रोलॉजिस्ट है उनके पास जाइए और ट्रीटमेंट लीजिए। नमस्कार।